बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान और जनाब आपके हर दिल अजीज मुजाहिद अव्वल मेरा ख्याल है इस जिहाद के जनाब मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब। आदिल वेलकम टू द प्रोग्राम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू के बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप लाइव आए हैं। नाज़रीन, जैसे मेजर आदिल राजा ने इस चैनल को खिताब दिया था वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, ये वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान आजाद पाकिस्तान की आवाज है। बेलाग तज्जी होते हैं, बगैर किसी ढके छुपे, किसी को कंपनी कहना, किसी को एस्टेब्लिशमेंट कहना, बगैर होते हैं। हम खुल के बात करते हैं, हमारी बात बहुत और लोग भी करते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ ये होता है कि हमारी बात जरा सख्त होती है, हमारे अल्फाज बहुत सख्त होते हैं, तो इसकी वजह से बेचारे लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं यार ये जो है ना, वो किसी ने आदिल मुझे कहा कि वैरी साहब आपका तो पाकिस्तान में नाम लेना ऐसे है जैसे कि नाउज बिला के कोई बहुत बड़ा, कोई दुनिया का सबसे बड़ा। नहीं नहीं सर, वो माजत कता कलामी माफ, कमजोर दिल जो लोग है ना वो घबरा जाते हैं। पाकिस्तान में जो 65% जवान है, मैं तो कहता हूँ 70% जो जवान है उनका हौसला बढ़ता है हमारी बात सुन के, और वो यही कहते हैं कि आपकी बात सुन के हमारा हौसला बढ़ता है, इस तरह बात किया करें, जरूरी है ताकत के साथ, ताकत से बात करनी पड़ती है सर, पावर अंडरस्टैंड्स पावर ओनली, दिस इज द थिंग सर। जी सर। आदिल मैं ना, और चूंकि हम जरा थोड़े वो जो है फौजी टाइप भी हैं, मेरा तो गुस्सा जरा ज्यादा है, बड़ा मशहूर है मेरा गुस्सा, बड़ा काबू किया है उसके ऊपर, मेरे वाले साहब आपका भी सुने, लेकिन मैं जो इस मुल्क के अंदर बड़े नामी गिरानी में और जिसको कहते हैं ना समझदार, सूझबूझ रखने वाले और क्रेडिबल लोग हैं, वो क्या कहते हैं, मैं सिर्फ वो सुना के शुरू करना चाहता हूँ कि मैं और आदिल और हमारे जैसे लोग जो हम ये बातें करते हैं, हमारी उनकी बातों में कोई फर्क नहीं। अगर आज इजाजत हो मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये सलमान अकरम राजा ने अपनी बात की थी जो कल इनका टेलीथॉन हुआ था फंड रेजिंग का, उसके छोटे से इकतसाब सुनाता हूँ कि ये फरमाते क्या है, ये सुनिए जरा। आई थिंक नहीं आ रहा, बट एनीवे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आदिल हुआ ये है कि इन्होंने एग्जैक्टली वो ये बात की कि पाकिस्तान के तमाम इदारे मफलूज हैं, एक इदारा नाम नहीं लिया, जब भी उनको शौक पड़ता है 2-3-4 साल के बाद धनधनाते आते हैं, हर एक को कब्जा करते हैं, अदलिया पे कब्जा करते हैं, पुलिस पे करते हैं, ब्यूरोक्रेसी पे करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मैं जब लॉयर से, जज से, आरओ से बात करता हूं, पुलिस वालों से, वो रोते हैं, मजबूर हैं, कहते हैं हम क्या करें, हमें डराया धमकाया जाता है। वो सारी बात उसने, ये 3-3.5 मिनट की जो बात की, उसने सारी बात की कि ये हमारी पाकिस्तान में जंग है, हम इस बर्बरियत के खिलाफ, इस जाहिरियत के खिलाफ, इस पाकिस्तान के कब्जे के खिलाफ ये हमारी जंग है। उसने कहा दिस इज अ वॉर, दिस इज अ वॉर, दिस इज अ बैटल फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। बड़ी अच्छी उसने बात की, उसने कहा ये कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम और रूल ऑफ लॉ मुख्तलिफ चीजें हैं, कहता है आप दुनिया की तारीख उठा लें, मुल्क के हर मुल्क को देख लें, कहीं भी ये दो अलहदा चीजें नहीं है, जहां रूल ऑफ लॉ होगा वहां सियासी इस्तेकाम होगा और मईशत इस्तेकाम होगा। तो पहले तो इस पे जरा थोड़ा कमेंट करें, फिर जनाब काजी फाइज ईसा ने जो पंजाब में बड़ी मशहूर कहावत है कि वो कहने में के सुखी रोए यारा नू ना ला ला के प्रावां दा, ते ये एक ही थाली के चट्टे बटे हैं, क्लेप्टोक्रेसी पार्ट एंड पार्सल सेम थिंग ही है, ये एक दूसरे को यू स्क्रैच माय बैक आई विल स्क्रैच योर बैक, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस खड़ा हो जाए तो पूरी फौज को नाक डाल देता है, आपके खुद स्केलेटन इन द कबर्ड अगर ना हो तो फौज ये जर्नैल क्या आपको कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं आपको आज की मिसाल देता हूं, नवाज शरीफ ने दुनिया जहां की करप्शन करके पनामा पेपर्स में उसके नाम वो कोई फौज ने नहीं छापा, वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने या पीटीआई ने या इमरान खान ने नहीं छापा, वो दुनिया के ग्लोबल ICIG के जो है वो इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आया है, और पेंट हाउस पायरेट्स के नाम से उसको जो है वो याद किया जाता है, बदनाम तरीन दुनिया के करप्ट तरीन पॉलिटिशियन में इसका नाम आता है,
आज उसको आपने क्लियर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको खुली छूट दे दी है, वो कहता है हाँ पट लो जो पटना है। तो बात तो ये है सर कि ये सारे आपस में अगर ना मिले हुए हो, ये जो जाली काजी फ्रॉड ईसा जो है, ये अगर उसका नौकर ना हो और इसके अपने जो है वो मनी ट्रेल इसका अपनी जायदादों को अगर मौजूद हो जो यूके में है, तो इसको क्या जरूरत पड़ी है जाके अपनी बीवी को बेच के थ्रू बहाने की सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के आगे। तो सर ये सारे के सारे एक थाली के चटे बैठे हैं और इसीलिए इनको कंट्रोल करना बड़ा आसान है। इनमें एक भी मर्द का बच्चा खड़ा हो जाए, कोई सिविल सर्विस में खड़ा हो जाए, कोई जज खड़ा हो जाए, जरूरत नहीं है सेक्टर कमांडर की कि उसको कुछ कर सके। मैक्सिमम फिर उसको ओहदे से हटाते हैं, दाएं बाएं करते हैं। एक मैं मिसाल देता हूं कि हमारा भाई शहीद कर दिया एसआई ने बाजवे के कहने के ऊपर, नदीम अंजुम के कहने के ऊपर, जो है अरशद शरीफ को कीनिया में जो शहीद करवाया, उसकी जो खुली फैक्ट फाइंडिंग टीम में उमर शाहिद हामद ने एक फैक्ट फाइंडिंग टीम में वो चीजें लिख दी हैं जो तारीख का हिस्सा बन गई हैं, इनके गले की हड्डी बन गई हैं, इनको समझ नहीं आती कि उसको रिवर्स कैसे करें। तो सर एक बंदा सिर्फ खड़ा हो जाए ना तो वो सारे के सारे सिस्टम को जो है वो हिला सकता है, ये जो पूरा सिस्टम है। दूसरी तरफ एक मच्छर जो है, ये एक बंदा खड़ा होकर मच्छर को मार सकता है, लेकिन वही मच्छर पूरे सिस्टम को हिजड़ा बना देता है। तो यहाँ पे सिस्टम ये चल रहा है ना सर, तो इस वजह से हर किसी की अपनी कमियां कोताहियां हैं, ये खुद करप्ट है, ये पुलिस खुद करप्ट है। तो इसको काबू करना बड़ा आसान है, हर तीन साल बाद आके काबू करते हैं, जिन तीन साल काबू नहीं किया था फाइलें इकट्ठी करते हैं कि कौन क्या करप्शन कर रहा है। ये जज खुद करप्ट है तो सर इनको काबू किया जाता है ना सर, ये ब्यूरोक्रेट खुद करप्ट है तो इनको काबू करना इतना आसान है सर, ये सारे दूध के दुले हुए हैं क्या? तो यहाँ पे आपको सिस्टम को तेजाब से धोने की जरूरत है, आपको सिस्टम ओवरऑल की जरूरत है। इस निजाम में रहते हुए तब्दीली बहरहाल मुमकिन नहीं है, निजाम आपको पूरे का पूरा एज अ होल चेंज करने की जरूरत है, तब जाके जो है ये मामलात आपके ठीक होंगे। और वो शुरू होगा सर कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी से, कॉन्स्टिट्यूशनल सिविलियन सुप्रीमेसी से, वहां से शुरू होगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होगी, फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स होगी, फिर सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स होगी, और इस सारे प्रोसेस में फौज को बैरकों में रहना पड़ेगा। और ये सर सिर्फ अवाम की मर्जी के साथ हो सकता है, तुर्की वालों ने करना चाहा उन्होंने कर लिया, और उसके बाद जो मुश्किलें आई वो भी उससे आई। ठीक है आदिल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसमें मैं दो बातें करता हूँ, एक तो मैं जरा केस का थोड़ा आपसे क्लेरिफिकेशन, जो मैंने केस का पढ़ा मदार, मैंने कोशिश की कुछ लॉयर्स को फोन करने की, कोई फोन नहीं उठाता मेरा। वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि हर आईएसआई की मीटिंग में हैदर मेहदी का पूछते हैं कि यार इसको किस तरह काबू किया जाए, बेचारे इतने खौफ ज्यादा हैं। एनीवे, लेकिन मैंने जो इंटरप्रिटेशन की वो ये है कि फायज ईसा साहब ने बेसिकली ये कहा कि जो पिछला बेंच था जिसने ये जजमेंट दी, उसने जो आईन की शिक है ना उसको कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया और उसकी तशरी की। हालांकि ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल है आदिल लॉ का कि अगर आईन कहीं खामोश है और क्लैरिटी नहीं देता, आपके पास सिर्फ एक जगह है जहां पर वो इंटरप्रिटेशन होगी या तशरी होगी, वो है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले केस में जहां पर आईन साइलेंट था उसने अपनी तशरी की और तशरी करके एक फैसला दिया। ये साहब कहते हैं कि वो जो बेंच था दे वर रीडिंग इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन के वो कुछ और ही पढ़ रहे हैं। मतलब अब आपने एक जो फोरम फाइनल जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल था कि आईन की तशरी करेगा, आपने उसको भी कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया कि कल को कोई बेंच भी तशरी करेगा दूसरा बेंच आके उसको उल्टा देगा। तो ये तो चीज चलेगी। एक तो ये, इस पर आपकी क्या, इसने बहुत बहुत बुरा जुल्म किया है पाकिस्तान की जो भी लगड़ी लुली रह गई थी अदलिया। जी आदिल सर देखें, ये तो लंदन प्लान का हिस्सा था और पाकिस्तान में हमेशा से जो है वो ये कहा जाता है कि वकील ना कराओ जज करा लो। तो जज काजी फायज ईसा इन्होंने पहले से कराया हुआ था। पॉलिटिकली भी जो आपको पता है फायज ईसा आईएसआई की सुन रहा है, तो आईएसआई भी ये चाहती थी आसिम मुनीर की वजह से, ये इनका तय था कि यार ये इसको आपने सहूलत देनी है। उसी सहूलत अगर ना दी जाती तो आसिम मुनीर के ऊपर सर पे मुसीबत पड़ती, और आसिम मुनीर अभी भी आर्मी चीफ तो बैठा हुआ है। चलो दे दिया इसको सर, खुल के दे दिया, जो इसको करना था कर लिया। इलेक्शन में अवाम को लड़के दिखाए ना सर, इलेक्शन लड़के दिखाए ना 8 फरवरी को, जीत के दिखाए ना 8 फरवरी को।
वहां पे आते नहीं है, वहां से ये भाग रहे हैं, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो ये ड्रामाबाजी, तो सर आपको पता है पाकिस्तान में कौन सा कानून, अगर कानून कायदा या कॉन्स्टिट्यूशन होता तो 90 दिन में इलेक्शन ना हो जाते सर। तो ये तो सारी सर मारवाए अदालत, ये अदालतें कौन सी इसके ऊपर अगर आप भरोसा करके बैठे रहे तो आपका और मेरा इस हिसाब से इन्होंने जो है वो गायबाना कोर्ट मार्शल भी किया हुआ है, उस पर बड़े भगड़े भी डाले हैं। हाँ तो वो कितने महीने हो गए उसको, तो हम तो यहाँ बैठे हैं सर आपके सामने, दुनिया इनके फैसले नहीं मानती सर। क्यों नहीं मानती? क्योंकि कैंगरू कोर्ट है सर ये, क्योंकि बनाना रिपब्लिक है ये सर, क्योंकि जर्नलिस्तान और फौजिस्तान है सर, क्योंकि सर यहाँ आईन और कानून कोई चीज के नाम ही नहीं है। और ये अपने आप को कहते हैं हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नंबर वन बन गए, हम ये बन गए, हम वो बन गए, SNC हमने बना लिया है, फलाना हमने कर दिया है, अपनी खुद मुंह मियां मिट्टू बन के बोंगियां मार के ये समझते हैं कि दुनिया को फुद्दू लगा लेंगे। इस तरह थोड़ी होता है सर, दुनिया मजाक उड़ाती है इनका सर, इनकी अदालतों का, पाकिस्तान की अदालतों का मजाक उड़ाया जाता है, पाकिस्तान की अदालती फैसलों का मजाक उड़ाया जाता है। पाकिस्तान का अदालती सिस्टम सर 146वें में से 138वें या 29वें नंबर के ऊपर है सर। क्यों है 136 में क्यों है सर आपके ख्याल में, आखिरी 10 में क्यों है? यही तो वजह है इस तरह के फैसलों की वजह से ना सर। इस पे मैं क्या बोलूं सर, पूरी दुनिया बोलती है, मजाक है सर इन लोगों का पूरा निजाम सर। आदिल असल में ना जो हम कह रहे, हम बात करते थे ना कि सिस्टम की रिफॉर्म होना चाहिए, अब ये काजी फाइज ईसा जैसे लोग, मंसूर अली शाह जो कि मुझे लग रहा था कि वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसने भी ये हालांकि मैं उसको समझता हूँ कि वो बिका हुआ है शबाद का, लेकिन एक लेकिन याया अफरीदी ने इसके खिलाफ दिया। मैं जो मैं बात अभी पहले की थी ना कि इस आदमी ने, फाइज ईसा ने, जिसके ऊपर इतना लोगों को भरोसा था, मुझे लोगों ने बड़ा रोका, जिस तरह आसिम मुनीर के लिए रोका कि यार उसको मौका दें, इसके लिए भी कहा आप मेहती साहब जरा देखें। मैंने कहा अच्छा यार देखते, लोगों ने बात मुझे बड़ी सुनाई कि आप भी कहते थे काजी फाइज, मैंने कहा यार मुझे तो जो जज लॉयर्स हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, मैं नाम अगर लूंगा तो वो भी अपना सर छुपाते फिरेंगे, आजकल बड़े PTI के मोर्चा दियाने गाते हैं, उन्होंने मुझे कहा नहीं 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 आप इनको आने दें आप देख लेते। आदिल ये सलमान अकरम राजवा का वो मुझे मिल गया, इफ यू माइंड मैं ये प्ले कर दूं जरा जी। उससे पहले मैं आपको इतना बता दूंगा सर, काजी फैज ईसा के बारे में मैंने एक ही स्टांस रखा है, जिस वक्त जस्टिस बंदियाल चीफ जस्टिस है तो मैंने एक ही रखा था कि ये इनकलाबी सिर्फ उस वक्त तक था जब तक नवाज शरीफ जो है वो उसकी फौज के साथ लड़ाई थी, जब से नवाज शरीफ फौज की गोद में बैठा है या आसिम मुनीर को नवाज ने गोद में लिया है ये गैर इनकलाबी हो गया है या ईसाई वालों के साथ थ्रू आउट मिल रहा है, इसको हैंडल किया जा रहा है, मैंने स्टैंड पक्का ये रखा हुआ था। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, आई कम्प्लीटली रिमेम्बर आदिल। और हालांकि मैं बड़ा इसको, वो मोहम्मद पंसोटा मेरा एक दोस्त है, उसका बेटा है लॉयर है, PTI का था वो, तो खैर बेचारा लड़का, उसने कहा नहीं सर ये बड़ा जबरदस्त है आप जरा देखेंगे, एक और भी लॉयर है वो, मैं उनका नाम नहीं, ये सर जरा देखें जो असल लॉयर है पाकिस्तान के वो क्या कहते हैं ये जरा। Everybody has been placed under a pressure that I have not seen in my 32 years in the profession. इस वक्त इट सीम्स एज इफ वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर. One side wants to achieve certain objectives and seeks to achieve them at any cost. मुझे ये बहुत अफसोस हो रहा है कि लोगों को एहसास नहीं है कि जब आप एक पूरे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, उसमें पुलिस फोर्स हो, सिविल सर्विस हो, जुडिशरी हो, आप उनको ये कहते हैं कि नेवर माइंड व्हाट द लॉ इज, नेवर माइंड व्हाट द रूल्स आर, नेवर माइंड व्हाट डिसेंसी इज, जस्ट डिलीवर व्हाट वी वांट यू टू डिलीवर टू अस, एंड दैट डिलीवरी रियली इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डेसिमेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए इस वक्त जो जंग हम लड़ रहे हैं, मैं समझता हूं वो हम PTI के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़े इश्यूज यहां पे अब आ गए हैं। इस मुल्क में अगर किसी किस्म का भी रूल ऑफ लॉ होना है, सम रिस्पेक्ट फॉर द लॉ इज टू सर्वाइव, देन द बैटल दैट वी आर फाइटिंग वी मस्ट विन। इस वक्त आवर स्टेक्स रियली गो बियॉन्ड द प्रेजेंट, वी आर रियली फाइटिंग फॉर द बेसिक इंटेग्रिटी ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस एंड द आइडिया दैट द लॉ हैज टू बी ओबेड, हैज टू बी रिस्पेक्टेड। मैं खुद गया हूं आरओज के दफ्तर लोगों के पेपर जमा कराने या सेकेंडर्स और प्रपोजर्स के साथ, मेरे होते हुए पीपल हैव बीन किडनैप्ड and I've turned around and I've asked the policemen standing there, ye kya ho raha hai, inko roko. They've said they're helpless. So the system has become helpless before force, before power that is unprincipled and that is brute. So hum jo ab jang lad rahe hain, sirf election ki jang nahi hai, agarche main samajhta hu is election mein hame bahut bharpoor tarike se hissa lena chahiye. If we don't do that, we vacate the stage completely. And that is the reason I am seeking to contest this election, so that we keep talking about our basic values. We keep talking about the rule of law that has to remain part of our public discourse. Isliye zaruri hai ki hum is election ko lade, bahut bharpoor tarike se lade, hum baat kare jumhuriyat ki, hum baat kare bunyadi aqdar ki, hum baat kare
कानून की, और उसकी उसकी बुनियाद पे हम बात करें पाकिस्तान की खुशहाली की। देखिए लोग ये समझते हैं खुशहाली कोई और चीज है और कानून कोई और चीज है। आप तारीख का मुतालिया करें, कोई मुल्क खुशहाल नहीं हुआ जहां इदारे जो थे किसी कानून के ताबे नहीं थे, जहां कोई सिस्टम्स मौजूद नहीं थे, जहां इंस्टीट्यूशंस जो थी वो सिविल सर्विस हो या वो जुडिशरी हो या वो पुलिस फोर्स हो, उनमें एक बेसिक डिसेंसी, एक सेंस ऑफ पब्लिक पर्पस नहीं थी। इस वक्त ये हो रहा है कि इन तमाम इदारों को हमारे सामने ये पुलिस वाले, ये आरओज जिन्होंने बहुत के नाम ने फैसले किए, वो रोते हैं, खुद मुड़ के कहते हैं कि हम वो काम कर रहे हैं जिसकी हमें कभी तवक्को नहीं थी, हमने पुलिस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, हमने सिविल सर्विस इसलिए ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ एक मकालमा है वो अब हमारे माशरे में शुरू हो चुका है और एक ऐसी शिद्दत से शुरू हुआ है जो शायद माजी में हमने या माजी करीब में, माजी बईद में नहीं देखी। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ये मुल्क एक तख्ताए मश्क है जहां हर ताले आजमा हर ताकतवर आकर चंद सालों के बाद तमाम इदारों को तलपट कर देता है और फिर हम नए सिरे से बात करते हैं कानून की, रूल ऑफ लॉ की, वो लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल में हो या वो अब जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं उस शक्ल में हो। लेकिन ये ऐसी मैं समझता हूँ एक काविश है, एक जद्दोजहद है, एक एक जर्नी है दैट हैज टू कंटिन्यू। तो मेरी गुजारिश है सबसे कि अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, द ग्रेविटी ऑफ द बैटल दैट वी आर फाइटिंग, एंड प्लीज ज्वाइन अस इन दिस बैटल हाउएवर यू कैन, इंटेलेक्चुअली, फाइनेंशियली, मॉरली, इन एवरी सेंस वी नीड as much support as we can get from around the world, from within Pakistan and from people who care for Pakistan and who are sitting outside. So I make an appeal, a passionate appeal, but also an appeal with folded hands that please join us in the struggle. Thank you. Ji Adil. Main sir iska jawab de chuka hu already ke theek hai jo Rai sahab keh rahe hain bilkul theek keh rahe hain, isme koi shak nahi hai sir. लेकिन सर जब बंदा खड़ा हो जाता है तो सलमान अकबर, अकरम राय साहब खड़े हुए नहीं है, बोल रहे नहीं बोल रहे, किसी की जुरत है कि इनको रोक सके? क्यों नहीं है जुरत? क्योंकि वो उसने जो है वो हराम माल नहीं खाया हुआ ना, इसलिए उसको ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता ना। तो सर जिसने हराम माल खाया हुआ उसी को ब्लैकमेल किया जा सकता है यहाँ पे सिस्टम के अंदर, और वही रो रहा है कि यार हमारी बड़ी मजबूरी है। जो हलाली बंदा है वो नहीं रोता सर, वो आगे से खड़ा हो जाता है, बड़े लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं सर। तो आप क्या हो जाए सर एक एक सवाल इस पे कॉमेंट, और मैं अग्री करता हूँ आदिल, लोग मजबूर भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, और मेरे पास कोई शक नहीं है। देखे ना, किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ, किसी का बच्चा, किसी की औलाद, बेचारा बिल्कुल करप्ट नहीं है, बहुत अहल है, उसको जब आप इस किस्म की करते हैं, आपको पता है जिसके में एक मेजर जनरल की मैंने आपको बात बताई थी, जिनका अपना यूनिट का अफसर जो आईएसआई में काम करता था, उसके दिन आया उसके सुबह घर के, सर मुझे ऑर्डर्स हैं कि भाभी को और आपकी बेटी को आज शाम उठा लिया जाएगा अगर आपने ये नहीं किया। तो आदिल क्या करें ये? वो अफसर जो है, वो जनरल जो है, ठीक है उस वक्त तो चुप कर गया, लेकिन वो चुप अभी भी नहीं किया, वो अभी भी बकवासे हक बुलंद उसने की हुई है। और उसको जब कहा गया कि टीवी पे जाके आसिम दले खंजीर की जो है वो सपोर्ट करे, तो उसने इनकार किया है सर अभी भी, जी, ठीक है वो खड़ा। मैं वैसे एक एक महावरतन एक इशारतन बात कर रहा था, उनके आइडेंटिटी हाइडी रखे, बट पुलिस जब खड़ा होना होता है तो सर ये धमकियों और गीदर बक्कियों का इनका तो मुकाबला फिर करना पड़ता है ना सर जी, इस तरह थोड़ी है सर कि ये मामला जो आप कोई कुर्बानी भी नहीं देनी पड़ेगी और सीधा सब कुछ जो है आपका ठीक हो जाएगा, नुकसान भी नहीं होगा, और बस आप सिर्फ जो है आपके लिए स्ट्रेट कारपेट बिछा, रेड कारपेट बिछा होगा जिसके ऊपर आप चलते जाएंगे, फूल की पत्तियां निचावर होंगी और इनकलाब आ जाएगा और आजादी मिल जाएगी। सर अंडा तोड़ना पड़ता है ना, आप कहते हैं ऑमलेट बनाने के लिए आजादी प्लेट में थोड़ी मिलती है सर, बिस्कुट मिल सकता है प्लेट में सर, इस तरह थोड़ी होता है कि आपको सब कुछ अच्छा अच्छा होगा और सब कुछ चलेगा। लोग मजबूर होते हैं तो हो ना मजबूर अपने तरीके से, लोग सूडो नेम से सोशल मीडिया पे आके रेजिस्टेंस कर सकते हैं सर, वीपीएन यूज कर सकते हैं सर, बेताशा तरीके हैं सर, लेकिन आप बैठ जाओ चुप करके, वो नहीं नहीं देखो बच्चा जी नहीं बड़ा गलत, आपके घर वाले बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने क्योंकि ये देखा है खुद काम होते हुए, या वो इस बेनिफिशियरी हैं इस हराम के सिस्टम के, तो फिर वो आपको मना करते हैं, नहीं तो हलाली जिनके माँ पे हुए हैं वो नहीं अपने बच्चों को मना करते, एहतियात जरूर वो कहते हैं करो, तरीके से काम करो, ठीक है बहुत से तरीके काम करने के, लेकिन लोग कर रहे हैं अभी भी रेजिस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं की रेजिस्टेंस की वजह से इन बगैरतों को कल जब अभी सलमान अकरम राजा की आप दिखाई है वीडियो आपने, इनको पाकिस्तान का सोशल मीडिया पूरे का पूरा बैठाना पड़ा, आगे जाके इसको सिलसिला ये मुस्तकिल बना देंगे, ये इनको हरकतें घटिया हरकतें, और दुनिया के अंदर ये बदनामी इनकी हो रही है, प्रेशराइज से फिर भी हो रहे हैं। तो सर वजह यही है ना कि लोग फिर भी बोल रहे हैं, जो हलाली माँ पे हो वो अपने बच्चों को मना नहीं करते, और 60-70% यूथ है यहाँ पे,
कि किस तरह इसको काबू कर लेंगे सर, ये जर्नैल, ये कहानी आज से, आज जो हम बातें कर रहे हैं सर, ये आज से पहले नहीं हुई कभी भी। आज जो हम सवाल उठा रहे हैं, ये आज से पहले नहीं उठाए गए सर कभी भी। अगर उठा लिए जाते तो आज हम इस हाल में ना होते। अब उठाए जा रहे हैं तो इसको मुंतकी अंजाम तक भी अल्लाह लेके जाएगा, क्योंकि सर हरकत में बरकत है, हरकत हमने शुरू कर दिया, बरकत अल्लाह पाक डालेगा सर। बाकी हम मस्त कलंदर, मस्त मस्त और मस्त, आप झूमे बस, मैं झूम झूम झूम, जो तेरी किस्मत में है अल्लाह ने तुझे दे देना है, लेकिन तू कोशिश तो करना, कोशिश तो कर। जी सर आदिल, ये बहुत जबरदस्त बात आपने की है और इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी है। मैं जब सोचता हूँ ना यूथ के मुतालिक, लोग हमें कहते हैं आप मेहदी साहब आप आए पाकिस्तान आके लीड करें, वहां से बैठ के बाहर से बैठ के आप बोलते हैं ये करते हैं, आदिल राजा बाहर बैठता है करते। तो मैं सोचता हूँ, मैंने कहा कि इन लोगों ने हमारा यूथ शायद देखा नहीं है कि हमने अपनी जवानी में क्या क्या किया। मुझे तो खैर जो मेरे फौजी दोस्त हैं उनको पता है कि तो जहाज से गायब करेंगे, मुझे और आपको जहाज से गायब करेंगे और उसके बाद हम पक्के जिंदगी, इस जिंदगी के लिए गायब हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। ये इन्होंने जर्नैलों के बच्चे नहीं छोड़े, तो आपके ख्याल में मुझे आपको छोड़ देंगे ये। ये जो इस तरह की बातें करते हैं, शरारती जहन के लोग हैं जिस तरह की बातें करते हैं, बेसिकली शरारत कर रहे होते हैं, बेसिकली अपनी कमजोरी और अपने जो है अपने आप को समझा रहे होते हैं, अपने आप को तरजीहात दे रहे होते हैं, अपने आप को दलीलें दे रहे होते हैं। इट्स अ वर्ड ऑफ मेक बिलीव, दे वांट टू मेक देमसेल्फ बिलीव कि नहीं हम ठीक हैं, हम बेगैरती कर रहे हैं, हम ठीक हैं। ये लोग गलत है जो हमें कह रहे हैं बेगैरती छोड़ दो, तुम भी बाहर बैठे हुए हो। मुझे अमेरिका से लोग कहते हैं आप तो लंदन बैठे हुए, तो मामा तू तो और आगे बैठा हुआ अटलांटिक के पास अमेरिका में बैठा है। वो एक साहब ने मुझे पूछा, तो मैंने कहा स्पेस में सवाल पूछा यही, तो मैंने कहा अच्छा थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है, मुझे अपना नाम बताए। कहता है आई वुड रादर लाइक टू रिमेन एनोनिमस। मैं कहता हूं नर का बच्चा मेरे से पूछता है पाकिस्तान क्यों नहीं जाता, तेरा नाम पूछता हूं तू नाम नहीं बताता। बट आदिल नहीं, एक चले उनकी एक बात में मैं कहता हूँ, वो कहते मैं उनको सिर्फ ये बताता हूँ एक चीज बता, और ये मैं जफर बंगिश की बात कोट करता हूँ। डॉक्टर जफर बंगिश ने कहा कि वो आदमी जो पाकिस्तान में मौजूद है, मौजूद था, मौजूद रहा है, उसने जिहाद का अलम उठाया, उसने तुम्हारे हकूक के लिए जंग कर रहा है, उसको जाके कैद में अंदर बंद कर दिया, 200 केस उसके खिलाफ कर दिए, क्या पुट लिया तुम लोगों ने, मतलब बेसिकली उसने एक ताना दिया कि तुम हमें कहते हो वापस आए। जो बंदा जो इस पाकिस्तान में इससे पहले इतना बड़ा लीडर कायद आजम के बाद शायद नहीं आया, आदिल इमरान खान की बात कर रहा हूं, उसने क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के गरीब आवाम के लिए, इस मुल्क में एक निजाम को तब्दील करने के लिए। बेचारे में है खामियां मानते हैं, लेकिन क्या क्या नहीं किया, अपनी जिंदगी उसने खराब कर दी, अपने बच्चों से दूर हो गया, अपनी शादी उसकी तबाह हो गई जो पहली थी, उसके लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। अभी ये कहते हो वैदी साहब आप आ जाए, बट आदिर कमिंग बैक टू ए मोर सीरियस इशू, ये आपने एक बात की ना कि जो जिसके अंदर काना नहीं है वो कह सकता है, ये सर ये सुने, मैं इनकी बातें पहले नहीं सुनता था, लेकिन जब से मेरा इनसे तारुफ हुआ कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट है इदारे के हवाले से तो ये हमारा नहीं है, इसलिए कि हमारा एस्टेब्लिशमेंट बैनुल अक्वामी एस्टेब्लिशमेंट का ज़ैली इदारा है, ये हमारे हिफाजत के लिए भी नहीं है, हमारे खिदमत के लिए भी नहीं है, हमारी सहूलत के लिए भी नहीं है, बल्कि इनका असल फरीजा जो है मगरबी अकवाम के मकासिद की वकालत है और मफादात की हिफाजत है। अलबत्ता अफराद इसके हमारे हैं। आदिल ये 41 सेकंड में मौलाना शिरानी ने पूरे 100 साल की जो है ना, बल्कि 75 साल पाकिस्तान में फौज की तबाही और बर्बादी और अमरीकनों के पिट्ठू बनने का 41 सेकंड में बयान कर दिया। तो यही तो हम कह रहे हैं सर इतने अरसे से कि 76 साल पहले जो है वो आपको अंग्रेजों की गुलामी से निकल के आप अपनी फौज जो अंग्रेज ने ट्रेन की थी
उसकी गुलामी में आए और उन्होंने अमेरिका को अपना नया बॉस जबरदस्ती चुन दिया, बार बार चुनते रहे, बार बार उनको खींचते रहे, अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज क्रिएट करके, एंटाइज करके, उनको नया प्रेजेंट करके, जियो पोलिटिकल सिनेरियो ऐसा प्रेजेंट करके कि तुम इधर ना आए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर दूसरी साइड को भी सपोर्ट करते रहे, डबल गेम भी खेलते रहे, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल वो वहां पे रहे, आपने अफगान तालिबान को भी सपोर्ट किया और आपने जो है उनको भी सपोर्ट किया, दोनों को एक दूसरे से जो है वो लड़वाते रहे आप दरमियान में, और बिले बन के ऊपर बैठे रहे और अपनी फौज को भी मरवाते रहे दरमियान के अंदर, और आप खाते रहे, और इंडिविजुअल जर्नैल जो है और जर्नैलों की औलादें जो है वो अमीर से अमीर तर, और ISI के वो अफसरान जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान जो इस सारे प्रोसेस में कोल्ड वॉर से लेके आज दिन तक वॉर अगेंस्ट टेरर में इन्वॉल्व थे, वो अमीर से अमीर तर होते गए, कौम जो है वो जानों की कुर्बानी देती रही, गरीब से गरीब तर होती रही, इन्फ्लेशन का शिकार होती रही, और लगा ये कि जी पाकिस्तान में तरक्की बड़ी हो रही है, असल में पाकिस्तान के रुपए की कदर रोज रोज कम होती रही, और आज हम इस साल के ऊपर पहुंच गए हैं कि हम बैंक्रप्सी के करीब हैं, रोजाना $10 मिलियन का कर्जा अगर हम बैरूनी बैंक तो हमें दे नहीं रहे, हम अपने अंदरूनी बैंकों से कर्जा लेके चला रहे हैं पूरे का पूरा काम, और जिस दिन बैंक्रप्ट हुए तो जिन उन्होंने बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में, उनको पता चलेगा कि उनका पैसा पुर हो गया सारे का सारा, क्योंकि पाकिस्तान बैंक्रप्ट हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो है इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम इसी तरह ऑपरेट करता है। तो फिर सर आप मुझे बताएं ना कि ये तो काम तो इसी तरह चल रहा है, और इसी को खत्म करने के लिए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें चाहिए, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें मॉडल चाहिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेट मी रेस्ट दिस पॉइंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पोलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ मशरूत है। अच्छा आदर, ये सब बात ये मैं इक्तिसादी जो सर आपको इस्तेकाम चाहिए वो सियासी इस्तेकाम के साथ मशरूत है, और सियासी इस्तेकाम फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ शफाफ इंतखाबात के साथ मशरूत है, जो ये होने नहीं है देते जनरल जी सर। अच्छा, अब आदर सवाल ये इसी पे सवाल है, बिकॉज मुझे नहीं करना चाहिए था। आदिल, हमें पूरा यकीन है, सबको पता चल गया है, नजर आ गया है कि फौज का जो पाकिस्तान पर कब्जा है वो मुकम्मल है, हर इदारे पे मुकम्मल है, उसने जुडिशरी, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, जितने इदारे हैं पाकिस्तान के, चाहे सूबाई चाहे फेडरल, उस पर कब्जा है, और ये कब्जा जब तक खत्म नहीं होगा हम इब्तदा ही नहीं कर सकते सियासी इस्तेकाम की और मियाशी इस्तेकाम की। तो सवाल जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, जो वो है कि इस फौज की यह जो कब्जा है पाकिस्तान से, ये कैसे टूटेगा, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। वो कब्जा उसी तरह टूटेगा जैसा तुर्की वालों ने लिया वापस, और कोई तरीका नहीं है। देखें, मुझे नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन होंगे, अगर हुए तो वो चोरी वाले इलेक्शन होंगे, और मैं बाय द वे प्रोवोक नहीं कर रहा आपसे कोई एक खतरनाक जवाब, बिल्कुल भी, मैं कभी भी कोई इंसाइटिंग टू रिबेलियन या सेडिशन की हम बात नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमारे पर इतने केस हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इलेक्शन नजर नहीं आ रहे, अगर इलेक्शन नहीं होंगे, फेयर एंड फ्री नहीं होंगे, लोगों की मंशा नहीं मानी जाएगी, एक नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी, वो इस्तेकाम सियासी नहीं लाएगी, इस्तेकाम सियासी नहीं होगा तो मायशे इस्तेकाम नहीं आएगा, इलेक्शन अगर ये चोरी करेंगे फिर भी सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, फिर मायशी इस्तेकाम नहीं आएगा, और हम ये वो जो क्या कहते हैं वो जो गेम नहीं होती, म्यूजिकल चेयर चलती रहेगी, रिवॉल्विंग डोर। मैं आई एम नॉट, मुझे ऑनेस्टली मतलब मैंने जो तारीख में देखा है आदिल, कि जब इतना ज्यादा जबर और कब्जा हो जाए, या तो अंदरूनी ताकतें उसको उठा के फेंकती हैं, या कोई बैरूनी ताकत आके उसको उठा के फेंकती है, जिस तरह, हालांकि मिसाल कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, जिस तरह सद्दाम को अमरीका ने उठा के फेंका, या कदाफी को उठा के फेंका, या अंदरून से ये ईरान, हमारे जर्नैल इस मामले में बहुत शार्प हैं, क्योंकि जर्नैल नहीं है ये, तो अफसर नहीं है ये, प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलरों को पता होता है कि यार हमने बाहर से उठा के फेंक ना दें, तो इसलिए पहले ही उनके जाके गोडे गिट्टों में चड्डों में जाके बैठे हुए, पहले ही उनके सरकार तो उसी हुक्म करो उसी करना की है। ये तो अमरीका की बात होगी, ये तो बाहर की बात होगी, और अंदर वाली, अंदर आप समझते हैं अभी तक लोगों में जिस तरह तुर्की टर्किश आर्मी कर रही थी पहले अर्दवान से पहले,
रिपीट सॉरी मैं अवाम जब तक खुद निकल के अपनी जब तक कंट्रोल नहीं लेती, जब तक वो खुद नहीं सामने खड़ी होती और सब बाहर निकल के एहतजाज नहीं अवाम खुद करती और अवाम ताकत अपने हाथ में नहीं लेती जब तक, उस वक्त तक सर अंदर से आप जो मर्जी दाएं बाएं ऊपर नीचे होता रहे, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहती है। इट हैज टू बी अल्टीमेटली अवाम को रिएक्ट करना पड़ता है सर, और अवाम पूरी को नहीं, 25 करोड़ को नहीं करना पड़ता सर, इस 25 करोड़ का 3% सिर्फ सिर्फ ओनली 3% जिस दिन बाहर निकल आया उस दिन सर ये आपका पाकिस्तान की तकदीर चेंज हो जाएगी। अच्छा 3% तो मैं तो कहता हूँ बहुत है, मैं तो कहता हूँ 0.3%। अगर आप अब आप वोटर हमारा इस वक्त तक कहते हैं जी 13 करोड़ वोटर है ना, 13 करोड़ वोटर का 3% कितना बनता है, तकरीबन 40 लाख बनता है मेरा ख्याल है। आते मुझे ये बताएं कि इतना ही बंदा निकल आए जो, तो ये तो अच्छा आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप, डू यू थिंक के लोग निकलेंगे अगर इलेक्शन इनसे चोरी कर लिया गया या इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया, क्या एक जो जिनका हम कहते हैं लोग अवाम नौजवान यूथ ये वो या सब अपने पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे जिस तरह शेख रशीद कहते हैं? सर हालात नॉर्मल नहीं होंगे, एक साल मजीद ये फ्रिक्शन चलेगी, इलेक्शन हो जाते हैं तब भी इलेक्शन मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगे, जो कि अभी इनका जो मुझे पता चल रहा है कि हर तरफ से कोशिश कर रहा है, नदीम अंजुम अपनी एक्सटेंशन कंफर्म होने के बाद उसको उसने गारंटी दी है, कंफर्म हो गया, अनाउंसमेंट हो गई है 2 साल की, नहीं सर लेकिन मुझे कंफर्म हो गया है, मेरी अपनी सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि 2 साल का कोरो हो गया सर इसका, पहले कोरो हुआ था टिल फर्दर ऑर्डर्स का, अभी कोरो हो गया 2 साल का, अमरीका से ऑर्डर आए थे कोरो करो तो कोरो हो गया सर 2 साल का, तो उस पे ISPR नहीं बोल रही, उसके बाद से इलेक्शन की ताखीर की पूरी कोशिशें जो है सर वो जारी हो सारी है हर एंगल के ऊपर, और इसके ऊपर इंटरनेशनल पावर्स को भी राजी करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसके उनके कोई इंटरेस्ट इस किस्म के हैं, जारी बात है अमेरिकन इंटरेस्ट उन्होंने बना लिए होंगे या नहीं बनाए अल्लाह जानता, लेकिन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं चाहते कि इलेक्शन डिले हो क्योंकि उनको सॉवरन गारंटी चाहिए, और सॉवरन गारंटी वो जो है वो बगैर इलेक्शन के किसी गवर्नमेंट के, और वो इलेक्शन जो पाकिस्तानियों को कबूल हो उसके बगैर वो मानने को तैयार नहीं है। तो सर ये फ्रिक्शन 2024 में चलेगी, बड़ी शदीद चलेगी, हालात मजीद खराब होंगे और लोग भी रेजिस्ट करेंगे, लोगों को जो मर्जी आप कहें बेगैरत है नहीं निकलते ये वो, लेकिन लोग बैरल रेजिस्ट कर रहे हैं, बेगैरत तो खैर रेजिस्टेंस चलेगी सर, आपको 25 में चेंज मिलेगी इंशाल्लाह सर। अच्छा अच्छा मेरा सेंस है कि ये 24 के अंदर ही अंदर जो है ना दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये साल लास्ट नहीं कर सकते बट वी कुड बी रॉन्ग। आदिल बहुत शुक्रिया, अल्लाह सुभान ताला आपको इस जुमान में रखे, पाकिस्तान को इस जुमान में रखे। नाज़रीन जो लाइव देख रहे हैं आप सबका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, आप आते हैं आदिल को देखने, देखे मेरे से खुदा के लिए बार बार मत पूछे किधर है आदिल राजा, वो आते जुमे को आए मेरे साथ आज हाजिर हूँ सर, अभी भी आपसे बात करते हुए भी 3-4 जगह मुझे और भी बात करनी पड़ी है, इस वजह से मैं रियली आई एम रियली सॉरी। That's okay. आदिल राजा है, आदिल राजा इज वेरी काइंडली अग्रीड, उन्होंने बहुत, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे से हफ्ते में 3 दफा आने का कह दिया है, बहुत बिजी होते हैं बेचारे, उनके ऊपर भी बहुत मुसीबतें हैं, आपको अंदाजा नहीं है आदिल राजा किस तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी आप सपोर्ट करें, उनके आप पेट्रॉन के उस पर जाएं, प्लीज सपोर्ट आदिल राजा, आदिल राजा को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका यूट्यूब चैनल बंद हो चुका है, ही नीड्स योर सपोर्ट, अपनी सपोर्ट प्लीज करें आदिल, थैंक यू, अल्लाह सुभान ताला आपको हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़ अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़ अमान में रखे, बेचारे जो कैद हैं मुसीबतों में हैं अल्लाह सुभान उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बशमूल इमरान खान हमारी ख़वातीन, और एक फलता फूलता पाकिस्तान में देखने को मिले, और बेचारे जो शहीद हो गए अस्पतालों के दर्जात बुलंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम, खुदा, बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत ही शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन आप सबका।